वही सीहोर जिले में नकली टीआई बनकर ऑटो वालों से वसूली करने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी नकली टीआई बनकर ऑटो वालों से अड़ीबाजी कर वसूली करता था। वहीं जब ऑटो वालों को आरोपी पर शक हुआ तो उन्होंने संयुक्त रूप से मिलकर आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार नकली टीआई बनकर लोगों को डराने वाले आरोपी का नाम मनोज मेवड़ा बताया जा रहा है। वही पुलिस ने भी आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। एक फरियादी है राशिद खान करके, जो सीहोर बस स्टैंड पर रहते हैं, ऑटो चलाने का काम करते हैं। एक सवारी को, एक युवक को बिठा के ले गए थे सेकड़ाखेड़ी जोर। वहाँ उस युवक ने बोला कि मुझे थोड़े और आगे भोपाल रोड पे छोड़ दें। जब वो उस स्थान पे पहुँचे तो उसने अपना किराए का पैसा मांगा। उसने किराए के पैसे देने की जगह और उसके साथ मारपीट करके अड़ीबाजी करने लगा और उससे और पैसे मांगने लगा। तभी उसका दूसरा साथी भी पीछे ऑटो से आ गया और उसने और अन्य साथी को बुला के उसको तत्काल मौके पर पकड़ा है, थाने लेके आए थे। आरोपी का नाम मनोज मेवाड़ा है, जो ग्राम राजू खेड़ी का रहने वाला है, मंडी थाना क्षेत्र का। इसके विरुद्ध धारा 294, 323 मारपीट एवं अड़ीबाजी 327 का अपराध पंजीबद्ध किया है। अमूमन ये आरोपी के संबंध में कई ऑटो चालकों ने शिकायत की है आ जाके। ये पूर्व में भी इनके साथ ऐसी हरकत करेगा और अपने आप को टीआई की उपाधि देता है कि मैं फला जगह का टीआई हूँ। इस कारण से ऑटो ड्राइवर वगैरह डर जाते हैं और उसके मांगे हुए पैसे अनुसार उसको दे देते हैं।